भी इसमें डाला जा रहा है क्योंकि मजबूती के लिए पानी यहाँ पर दिया जा रहा है, वो बन रहा है। और यहाँ पर देख पाइएगा ये स्लाइडिंग, और स्लाइड करके डायरेक्ट पानी में चला जाता है और वहाँ जा करके फिर से रिटिएगा किस तरह से काम चल रहा है कितना। और यहाँ से हम निकलेंगे मुसरी घरारी वाटर पार्क, जो वाटर पार्क न्यू बन के क्या अपडेट है तमाम चीज़ आप लोग को हम दिखाएंगे बताएंगे। और ये मुसरी घरारी, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आप लोग को मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर पार्क ओपन हो चुका है, वहाँ जा करके तमाम चीज़ को कवर करके आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे कि आखिर वाटर पार्क में क्या सब चीज़ होता है, सभी चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को थोड़ा बतला दें कि यहाँ पर जो आते हैं आप ताजपुर से हैं या पटोरी से हैं या आप समस्तीपुर के हैं तो आप लोग को बतला दें ये मुसरी घरारी है। और जैसा देख पा रहे हैं ये मुसरी घरारी है, मुसरी घरारी से ये चली जाती है ताजपुर मुजफ्फरपुर की ओर। और इस साइड हम निकलेंगे इस साइड दलसीसराय वाली रूट में, और मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जो वाटर पार्क ओपन हुआ है वहाँ चल के देखते हैं क्या अपडेट अभी वहाँ पर है, तमाम चीज़ को कवर करके आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे कि जो समस्तीपुर का वाटर पार्क कह सकते हैं कि समस्तीपुर में पहला वाटर पार्क ओपन हुआ है और क्या कहाँ तक अपडेट हुआ। क्योंकि जो पहला वीडियो कवर करके किए थे उसमें बतलाए थे कि जो अप्रैल है अप्रैल के लास्ट तक ये ओपन हो जाएगा, क्या ओपन हुआ है या नहीं हुआ है तमाम चीज़ को कवर करके इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप भी समस्तीपुर से हैं तो इस वाटर पार्क में एक बार ज़रूर आएँ। और चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर वो वाटर पार्क है और क्या नाम है, वहाँ चल के आप लोग को दिखाते हैं बताते हैं। जैसा देख पा रहे हैं जब मुसरी घरारी से आप लोग निकलते हैं तो यही SP का जो पेट्रोल पंप है उसी के जस्ट बगल से रास्ता जो आप ऑटो देख रहे हैं आते हुए वही रास्ता निकलती है वाटर पार्क तक जाती है। और जगह के बारे में बतला दें आप लोग को, यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा लिखा हुआ स्पष्ट रूप से NH 28 मुसरी घरारी हंडियाहा समस्तीपुर, यानी यही है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो आप लोग देख पाइएगा। और ये साइड से जो रास्ता जाता है वो वाटर पार्क तक चलता है, तो हम चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि वाटर पार्क में क्या सब अपडेट हुआ है, तमाम चीज़ आप लोग को कवर करके इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं बताते हैं। लेकिन अभी देखिएगा बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है और काम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और बहुत जल्द कोशिश ये सब भी करेंगे कि जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। क्योंकि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें बहुत तरह से लोग इंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। और चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं बताते हैं। झरना का पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता है और आप लोग तमाम इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देख पाइएगा पानी भी इसमें डाला जा रहा है क्योंकि मजबूती के लिए पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो होता है 40 फीट की ऊंचाई से जो स्लाइड होता है वो आप लोग देख पाइएगा यहाँ पर बनाया जा रहा है और काम देख पाइएगा बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रहा है। और यहाँ पर देख पाइएगा पानी भी इसमें दिया जा रहा है और यही समुद्री पानी लहर यानी जो है समुद्री लहर आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा वाटर पार्क के अंदर में। और ये वाटर पार्क समस्तीपुर का वाटर पार्क है जो मुसरी घरारी से मात्र 1.5 किलोमीटर बहुत हो गया, 2 किलोमीटर बोला जाता है लेकिन मुसरी घरारी से 1.5 किलोमीटर बहुत हो गया। और यहाँ से आप लोग देख पाइएगा NH भी दिखाई पड़ता है, पा रहे हैं यही है समस्तीपुर का वाटर पार्क जो बन के रेडी होने वाला है, कुछ ही दिनों में ये चालू हो जाएगा। और ये स्लाइड आप लोग देख पाइएगा कितना बेहतरीन तरीका से ये स्लाइड बनाया गया है। और डायरेक्ट यहाँ से स्लाइडिंग करते हैं तो जा करके आप उसमें वाटर रहता है वाटर में चले जाइएगा। और यहाँ का कुछ दृश्य आगे देख पाइएगा जो सबसे ऊंचाई स्लाइड से स्लाइड करते हैं वो वहाँ पर लग ही रहा है। और जस्ट बगल में यहाँ पर देख पाइएगा जो समुद्री लहर देने वाला वेव देने वाले जो वाटर होता है वो सामने में है, वो भी बन के तैयार ही हो रहा है। और इस साइड आप लोग देख पाइएगा जो म्यूजिक चलता है जो झरना चलता है यहाँ पर आकर के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं सभी चीज़ का। और यहाँ से पास ही में
NH 28 है, जहाँ से आप लोग आ सकते हैं, और NH पर से भी देखते हैं तो आपको ये वाटर पार्क दिखाई पड़ता है। यही तमाम कुछ आप लोग को सोचे अपडेट दे दें। और देख पा रहे हैं हम अभी स्लाइड जो होता है, एक छोटा सा स्लाइड, मीडियम स्लाइड होता है, उस स्लाइड पर हम आए हुए हैं और यहाँ का दृश्य आप लोग को दिखा दें। उस तरफ जो बड़ा स्लाइड होता है वो बन रहा है और यहाँ पर देख पाइएगा ये स्लाइडिंग, और स्लाइड करके डायरेक्ट पानी में चला जाता है और वहाँ जा करके फिर से रिटर्न इस सीढ़ी के माध्यम से आया जाता है। और चलते हैं नीचे, नीचे आप लोग को दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर यहाँ पर कब से ये ओपन हो रहा था। आप लोग को बता दें 9 मई से ये ओपन होने वाला है। जो सर से बातचीत की है तो वो बोले कि सुनिश्चित टाइम दे दिया गया है कि 9 तारीख को ये ओपन हो जाएगा, यानी 9 तारीख को हम आएंगे, कवर करके आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुविधाएँ दी गई है, और बता दें क्या टिकट प्राइस होता है वो भी बता देंगे। और कब से टाइमिंग की बात करें तो टाइम आप लोग को बता दें जो सुबह में लगभग 10 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक रहता है, लेकिन एग्जैक्ट अभी हम नहीं बतलाएंगे, लेकिन वही के आसपास में टाइमिंग इसका होने वाला है। और जब 9 तारीख को हम आते हैं तो सभी चीज़ को कवर करके आप लोग को दिखाएंगे कि कहां पर क्या चीज़ है, क्योंकि जैसे बतलाए हैं 9 तारीख को ओपन होने वाला है। तो आप सभी जो अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको दृश्य दिखाते हैं कि कितना बेहतर तरीका से यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देख पाइएगा, पहला वीडियो जो कवर करके ले गए थे उसमें कोई तरह का यहाँ पर पेड़ पौधा नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं सुंदरता के तौर पर, वातावरण स्वच्छ के तौर पर यहाँ पर देख पाइएगा, यहाँ पर पेड़ पौधा लगा दिया गया है और धीरे धीरे करके ये पूरे हरियाली छा जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा किस तरह का वाटर पार्क तैयारी हो रहा है, और यहाँ पर देख पाइएगा JCB से यहाँ पर काम चल रहा है, और हर एक जगह आप लोग को देखने को मिलेगा काम जोर शोर से चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहता है इसमें, क्योंकि जो वाटर पार्क बनता है एक दो को काम करने से नहीं, बल्कि इस तरह के जो भी वर्कर हैं उनके सहयोग से ये वाटर पार्क बन के रेडी होने वाला है। तब जाकर जब बन के तैयार हो जाता है, फुल एंड फिनिश हो जाता है, तो इसका रौनक होगा, जो इसका निखार होगा वो देखने को मिलता है। ये काफ़ी दिनों की मेहनत का नतीजा होता है जो अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पर देख पाइएगा कितना बेहतरीन तरीका से बनाया जा रहा है, और इसका टाइमिंग भी आ गया है, उस टाइम को हम आएंगे, 9 मई को आएंगे और कवर करके आप लोग को दिखाएंगे। और सभी और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।